सो बच्चा लोग, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 2.4 जो है, जो आप लोगों का फॉर्मूला मेथड है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 2 का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ अभी तक हम लोगों ने किया क्या है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 2.1 में हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा रहता है, एंड देन उसको वैल्यू ऑफ ए बी सी कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते कैसे, वो देखा था हम लोगों ने। फिर देखा था रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था, क्लियर है ना। और टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स गिवन, इफ रूट्स गिवन मतलब कंडीशन था कि भाई अगर रूट दिया है तो हमें वैल्यू ऑफ ए के निकालना है, ठीक है। ये तीन टाइप के हमने 2.1 में कर रखे थे, ठीक है। अब हम लोगों ने 2.2 में क्या किया था, 2.2 में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। क्या किया था, सॉल्व किया था। तो बेसिकली सॉल्व करने के लिए तीन मेथड होता है। तो 2.2 में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन से किया हम लोगों, ठीक है। उसमें भी हमें क्या मिलता है, दो वैल्यू मिलते हैं। 2.3 में हम लोगों ने क्या, कंप्लीट स्क्वायर किया, है ना। उसमें भी क्या मिलता है, हमें दो वैल्यू मिलता है, बस मेथड अलग है ना। 2.4 में हम लोगों ने क्या किया, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया, फॉर्मूला मेथड किया, फॉर्मूला में पुट एंड गेट किया, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये हम लोगों ने अभी तक कवर किया चैप्टर 2 से, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ठीक है। तो अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.5, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.5 बहुत ही आसान है आप लोगों का। जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा हर एक एक्सरसाइज के पहले कुछ ना कुछ फॉर्मूला, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देता हूँ, सिमिलर वे में यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एज वेल एज सिमिलर वे में आप लोग का जैसा प्रैक्टिस सेट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, वैसी इस पे भी डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.5, ठीक है। चलिए, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को कि अभी आप लोगों को इतना कंफर्म है कि भाई रूट्स के जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, उसके दो ही रूट्स होते हैं ना। जैसा कि मैंने बताया, फैक्टराइजेशन में दो वैल्यू मिलता है, कंप्लीट स्क्वायर में दो वैल्यू मिलता है, फॉर्मूले में दो वैल्यू मिलता है, दैट मीन्स को सॉल्व करने पर वैल्यू हमें दो मिलता है। तो लेट कंसिडर इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए कि अल्फा और वो बीटा है ना, एक वेरिएबल में अल्फा और बीटा है, इसके दो क्वाड्रेटिक रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो एक फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इफ अल्फा प्लस बीटा, है ना, मतलब उसका सम ऑफ द रूट, इसको क्या बोलेंगे, सम मतलब प्लस, सम ऑफ द रूट क्या है, माइनस बी अपॉन ए। अब ये बी और ए कहाँ से आता है आप लोगों को पता है, ये है ना माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए, सी दिख रहा है, ए दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग का पोजिशन आप लोगों को पता है कि ए बी सी कहाँ रहता है, बट आप लोगों को बस याद रखना है कि सम ऑफ द रूट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, बस ये ध्यान रखना, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए, है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ठीक है, याद हो गया रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, इफ ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना छोटू सा, तो ये ट्रायंगल नहीं है ना, ये हमारा क्या है, डेल्टा है, क्या है, डेल्टा, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, या तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू भी बोलते हैं ना, ये साइन को हम लोग डेल्टा बेसिकली बोलते हैं, लेकिन ये पूरे वैल्यू को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बोलते हैं। इफ डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये आप लोग को लर्न करने की जरूरत नहीं है, आई होप कि आप लोगों ने फॉर्मूला मेथड में ये अंडर रूट में देखा था, बस यहाँ पे डेल्टा हमें क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना। तो ये हमें याद रखना कैसा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसमें रूट नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू क्या दिया, अगर इसका नेचर ऑफ द रूट बताना है कि भाई रूट का नेचर कैसा है। अब बता दूँ आप लोगों को, मैथ्स में रूट का मतलब नेचर मतलब ये नहीं होता कि उसका बिहेवियर अच्छा है, बुरा है, खराब है, बैड बॉय है, गुड बॉय, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, नेचर मतलब इसका बस ये है कि हमारा साइन से रिलेटेड है कि भाई वो रियल रूट है, रियल रूट नहीं है, इक्वल है, नॉट इक्वल है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर जो भी वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा, है ना, तो वो रियल रहेगा, नेगेटिव में रहेगा तो रियल नहीं रहेगा। तो फॉर एग्जांपल डेल्टा इक्वल टू जीरो, तो जीरो पॉजिटिव में है, देखिए मतलब नेगेटिव नहीं है, नेचर ऑफ द रूट इज रियल, एंड इक्वल क्यों लिखा है, क्योंकि इक्वल टू जीरो है, ठीक है, इसको आप रट्टा मत मारिए कब क्या रहेगा, खाली इतना देखिए, डेल्टा इक्वल टू जीरो तो जीरो है, पॉजिटिव है तो क्या रहेगा, वो रियल रहेगा, प्लस इक्वल टू है ना तो रियल एंड इक्वल। अब देखिए, डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, ये साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो मतलब इतना कंफर्म है कि वो पॉजिटिव में आएगा ना, क्योंकि जीरो के बाद वन आएगा, टू आएगा, सब पॉजिटिव में आएंगे, तो वो रियल रहेगा। लेकिन इक्वल टू जीरो है क्या, नहीं है ना, तो रियल एंड अनइक्वल लिखा है, क्या लिखा है, रियल एंड
अनइक्वल। अगर डेल्टा का वैल्यू लेस देन जीरो है, क्या है लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो मतलब क्या होता है कि वो माइनस में आएगा, जीरो से कम मतलब माइनस वन माइनस टू ये सब आएगा। तो इतना क्लियर है कि नेचर ऑफ द रूट इज नॉट रियल, नॉट रियल, ठीक है। तो यहाँ पे बस ध्यान में रखना है भाई, अगर पॉजिटिव रहा तो रियल है, नेगेटिव रहा तो रियल नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। नेचर ऑफ द रूट अगर डेल्टा पॉजिटिव है तो रियल है, वरना रियल नहीं रहेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब जो इसमें थर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछता है, टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द टू रूट्स गिवन, मतलब आपको दो वैल्यू दे दिया रहेगा और बोलेगा डायरेक्टली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। तो दो रूट मान लीजिए अल्फा और बीटा, जैसा कि प्रीवियस में हमने अल्फा और बीटा माना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, बस ये ध्यान में रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। एक बार हमें अगर टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना, तो एक बार उसका प्लस करूंगा, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और ये फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। एक बार प्लस एक बार मल्टीप्लाई, एक बार प्लस एक बार मल्टीप्लाई, वैल्यू पुट करना, हमें आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है एकदम से क्लियर हो गया रहेगा। यही तीन फॉर्मूले, यही तीन आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमारा पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। इस तीन के अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करने वाला हूँ, हाँ बेसिक में थोड़ा बहुत तो यूज़ होना ही होना है, लेकिन टेंथ के कॉन्सेप्ट में यही रहने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.5 में फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो है एक्टिविटी बेस्ड, इसके अंदर तीन सब क्वेश्चन है, तीन सब क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक्टिविटी है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब जो है यहाँ पे फिल कीजिए, जो भी खाली जगह फिल कीजिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मान लीजिए फाइव है ना। तो हमें क्या बताना, नेचर ऑफ द रूट्स, देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा नेचर ऑफ द रूट्स। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर फाइव रहेगा, तो मैंने बोला नंबर मत देखो यार, पॉजिटिव नेगेटिव देखो, वो पॉजिटिव है तो रियल है, क्या है रियल, रियल एंड इक्वल टू जीरो तो है नहीं, तो अनइक्वल, क्या रियल एंड अनइक्वल, समझ में आया, रियल एंड अनइक्वल। अब ये नेगेटिव है तो नॉट रियल, खत्म हो गया आंसर, है ना, ये एक मार्क्स के लिए आपको पूछता है। तो अगर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, नेचर ऑफ द रूट जो है साइन से पता चलता है, पॉजिटिव है तो रियल एंड अनइक्वल, अगर हाँ इक्वल टू जीरो रहता तो रियल एंड क्या रहता, हमारा रियल एंड इक्वल, लेकिन पॉजिटिव है और वो जीरो नहीं है तो रियल एंड अनइक्वल और नेगेटिव। देखिए ज़्यादा ध्यान में रखिए कि भाई पॉजिटिव है तो रियल है, नेगेटिव है तो नॉट रियल है, और इक्वल टू जीरो रहा तो इक्वल भी रहेगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्या दिया हुआ, सम ऑफ द रूट, देखिए सम ऑफ द रूट मैंने बताया था मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब क्या होता है भैया, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ध्यान में रखना है ना। तो सम ऑफ द रूट इफ अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज फाइव, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, है ना, देन वॉट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वी हैव टू फाइंड आउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसा कि आप लोग ऊपर ही देख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो ये फॉर्मूले में पुट कर दो, तो हमारा फॉर्मूला दिख रहा है ऊपर है, और जब कभी भी आप लोगों का एक्टिविटी आता है तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर होता है, जो भी आपको कैलकुलेशन इनकेस करना है तो आप जो है बैक पेज पे जाके, आपके रफ पेज पे जाके वहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देख लीजिए क्या है, एक्स स्क्वायर है ना माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा आप लोग बैक पेज पे जाके कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा करना तो है ही नहीं यार, डायरेक्टली हमें वैल्यू दे रखा है माइनस सेवन, क्या दे रखा है माइनस सेवन। तो देखिए यहाँ पे पहले से फॉर्मूले में माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस गेट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस कैसे है समझ में, देखो फॉर्मूले में माइनस है लेकिन सेवन किस में दिया है, माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सेवन एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा देखिए कितना दिया है, फाइव दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो बस ये फाइव वैल्यू यहाँ पे पुट करना, इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही आसान है, बस इसमें लॉजिकली ध्यान क्या देना, ये यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस था, यहाँ पे प्लस कैसे आया, प्रोफेसर ने यहाँ पे प्लस कैसे लिखा, बिकॉज सेवन किस में दिया है, नेगेटिव में दिया है, क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोग के थर्ड इसी के सब क्वेश्चन पे। तो हमारा सब क्वेश्चन क्या दे रखा है देख सकते हैं आप लोग, थर्ड में क्या दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बॉस अगर नहीं भी बताएगा तो हमें पता है, क्योंकि प्रोफेसर ने जस्ट अभी हम लोग को बताया है कि अल्फा एंड बीटा जो है क्या है, रूट्स है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दो ही वही रूट है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो है ना, व्हाट इज द अल्फा प्लस बीटा, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट इज माइनस बी अपॉन ए, व्हाट माइनस बी अपॉन ए, अभी जस्ट मैंने बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट में, देन माइनस बी अपॉन ए। तो बी देखिए सबसे पहले माइनस तो फॉर्मूले में है, बी कहाँ पे, बी दिख रहा है आपका जो हमारा एक्स के बाजू में होता है, आई थिंक ये बी और ए और सी निकालना वैल्यू हम लोगों ने आई थिंक 2.1 में सीखा है ना, एंड देन 2.4 में सीखा,
एबीसी कैसे निकालना है। तो एबीसी क्या होता है, एक्स स्क्वायर के बाजू में वाला ए होता है, एक्स के बाजू में बी होता है, अकेला टर्म सी होता है। तो एक्स के बाजू में माइनस फोर है, ध्यान रखना है साइन का, ध्यान रखना माइनस फोर है। तो ये पहले से फॉर्मूला माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस फोर ब्रैकेट में अपॉन ए कितना दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, ठीक है। देन माइनस माइनस गेट कैंसल विल बी प्लस, है ना, टू टू जा फोर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस टू आ जाएगा, क्लियर है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका, प्लस टू आ गया, है ना। अभी नेक्स्ट हमारे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, क्या होता है, सी अपॉन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी ईयर माइनस थ्री, है ना, साइन के साथ लिखना है, ठीक है, अपॉन टू, है ना। ये तो डिवाइड होगा नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर है, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा पुट एंड गेट कर रहे हैं फॉर्मूले में, जस्ट ये फॉर्मूला मैंने अभी प्रीवियस वन में बताया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर वन, सब क्वेश्चन तीन हम लोग का जो दिया था वो कैसा एक्टिविटी बेस्ड दिया था। चलिए अभी हम लोग मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जिसे कि आप लोगों को दिख रहा रहेगा कि मेन क्वेश्चन हम लोग का क्या दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट है। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है कि अभी जस्ट मैंने बताया कि इफ अल्फा इक्वल टू सॉरी डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारा डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है, तो हमें फाइंड क्या करना है, डेल्टा का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है हमें, डेल्टा का वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ए बी सी चाहिए ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब ए बी सी चाहिए। तो पहले कंपेयर कीजिए, तो कंपेयरिंग विथ आई थिंक ये वाला कंपेयर करना हम लोगों ने अभी जस्ट प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में सीखा था, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो। तो ए कितना रहेगा आपका, देखो मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के बाजू में एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर के बाजू में ए है, इधर एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ नहीं है, तो सबका मालिक एक। बी इक्वल टू सेवन, सी इक्वल टू वन है बट साइन के साथ माइनस वन, है ना। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू मतलब डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना। हम लोग को फॉर्मूला पता है, बस पुट एंड गेट करना है। बी क्या है, सेवन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए क्या है, वन इंटू सी माइनस में है, तो उसको ऐसा लिखना है। एंड सेवन स्क्वायर फोर्टी नाइन, फोर वन 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 जा फोर ही रहेगा, माइनस माइनस गेट प्लस, फोर्टी नाइन प्लस फोर कितना होगा फिफ्टी, एंड देन फिफ्टी थ्री। तो डेल्टा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 53। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी 53, है ना। चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो। सिमिलर वे में हमें करना है क्या, कंपेयर करना है। तो कंपेयरिंग विथ, देखिए हमें प्रोसीजर विल बी सेम, है ना, खाली नंबर्स अलग रहेंगे। कंपेयरिंग विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ध्यान रखिए मैंने कंपेयर करते टाइम वाई लिखा, बिकॉज यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन में वाई दे रखा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए इक्वल टू टू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी इज फाइव नॉट फाइव माइनस फाइव, है ना। सी का वैल्यू क्या दे रखा है, टेन दे रखा है। देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चे लोग, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, तो बी का वैल्यू माइनस फाइव होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए टू इंटू सी का वैल्यू टेन होता है। फाइव का स्क्वायर क्या होगा, ट्वेंटी फाइव, है ना। फोर टू ज़ा टेन, टेन टेन ज़ा हंड्रेड, है ना, सॉरी फोर टू ज़ा एट, एट टेन ज़ा एट्टी होगा, क्लियर है, है ना। तो 25 माइनस 80 कितना हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, आप लोगों को कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है हम लोग का कि कितना दिया हुआ है हमें, तो ये ध्यान रखना कैलकुलेशन करते टाइम पे कि हमारा प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग ना हो, क्योंकि वो अगर वो रॉन्ग हो जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे वो चीज़ हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 माइनस 80, तो आप एक चीज़ क्लियर है कि छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं ना हम लोग, तो क्या होगा, नेगेटिव में ही आने वाला है। अब 80 माइनस 25 करेगा तो कितना आ जाएगा आप लोग का, ये 55 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 55, ठीक है। यहाँ पे हमें डेल्टा का वैल्यू मिल गया, हमें नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं मतलब है, क्यों, क्योंकि वी हैव टू फाइंड ओनली वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब वो डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, क्या है, वो हमें नहीं बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोग को दिख रहा रहेगा यहाँ पे, है ना। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर थ्री में, आप लोग को दे रखा है कि रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू रूट टू इक्वल टू जीरो। देखिए रूट आ गया, आप लोग घबराना नहीं है, है ना, रूट आ गया, घबराचा नहीं, है ना। काय करायचं आप लोग इकडे, कंपेयरिंग विथ, है ना, सेम एज यूजुअल, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ए कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर के बाजू में, एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या दिख रहा है, रूट टू, क्लियर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, एक्स के बाजू में देखिए बी फोर है, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी, दैट इज सी इज अकेला टर्म, है ना, तो अकेला पूरा है ना, ये ऐसा नहीं कि रूट टू है, टू रूट टू मतलब अकेला मतलब विदाउट वेरिएबल, तो एक इस पूरे टर्म के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो दैट इज टू रूट टू,
है ना, वैल्यूज हमें मिल गया है ना, हमें करना है क्या, डेल्टा का वैल्यू निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना। तो काय करा सा इकड़े पुट करा वैल्यू, है ना, आणि नंतर बी चा वैल्यू काय आहे, फोर, फोर मायनस फोर इंटू ए काय इकडे रूट टू आणि सी टू रूट टू, है ना। फोरचा स्क्वेअर काय असणार आहे, सिक्सटीन, आणि रूट टू आणि रूट टू काय होणार, टू, टू टू जा फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, है ना, आणि सिक्सटीन मायनस सिक्सटीन काय असते, झिरो। क्लियर है ना। तो एज यूजल हमें करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं है ना, बस ये देखिए रूट टू इंटू रूट टू क्या हो गया, टू, टू टू ज़ा फोर, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन विल बी जीरो, हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोला था। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, इसके आगे बस एक स्टेप का अगला क्वेश्चन बना के देख रखा है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स देखिए कि नेचर ऑफ द रूट्स, अब यू नो वेरी वेल कि जैसे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया था कि नेचर ऑफ द रूट किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं फॉर्मूला अगर वापस बताऊँ तो डेल्टा का वैल्यू अगर जीरो रहेगा, डेल्टा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो रहेगा, डेल्टा का वैल्यू अगर लेस देन जीरो रहेगा, दैट मीन्स डेल्टा के वैल्यू पे ही नेचर डिपेंड कर रहा है ना हमारा। तो डेल्टा का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो अभी जस्ट हमने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू निकालना सीखा है, तो बस उसके आगे वैल्यू आएगा, उसके आगे मुझे लिखना है कि भाई नेचर क्या है, रियल, नॉट रियल, रियल एंड इक्वल, ऐसे कुछ लिखना है। चलिए हम लोग एक देख लेते क्वेश्चन। तो सिमिलर वे में क्या कर रहे थे, कंपेयरिंग है ना, तो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या है, कुछ नहीं है, वन है, सबका मालिक वन। देन बी एक्स के बाजू में दैट इज फोर, नॉट फोर, विथ साइन नेगेटिव फोर, दैट इज सी इक्वल टू फोर, ओनली फोर, बिकॉज देयर इज अ प्लस साइन। ठीक है, प्लस साइन रहेगा नो प्रॉब्लम, माइनस साइन रहेगा उसके साथ लिखना है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। पुट दिस वैल्यू, वॉट इज द वैल्यू ऑफ बी, माइनस फोर द होल स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए वन, सी इंटू सी फोर। सी दिस, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, देन फोर फोर दा सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू वन सिक्सटीन विल बी जीरो। तो हियर डेल्टा इक्वल टू जीरो, एंड यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। काय करायचं आपल्याला, की डिसाइड करा हा पॉझिटिव्हमध्ये आहे की नेगेटिव्हमध्ये आहे, है ना। तो इकडे काय आहे, नेगेटिव्ह साईन नाही ना, तर तिकडे काय होणार आहे, आपल्याला व्हॅल्यू काय असणार आहे, डेल्टा इक्वल टू रियल, रियल व्हॅल्यू आहे, बट इक्वल टू झिरो आहे, म्हणजे काय, की डेल्टा इक्वल टू रियल अँड इक्वल, रियल अँड इक्वल रूट। देअरफोर काय लिहिणार आहे इकडे, द नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल क्यों भैया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए रियल किस लिए है, क्योंकि पॉजिटिव है, इक्वल इसलिए है क्योंकि इक्वल टू जीरो है, बस बात हो गया खत्म। दो चीज़ है, रियल एंड इक्वल क्यों, रियल मतलब पॉजिटिव, इक्वल मतलब इक्वल टू जीरो, बस यही। देखिए आपने नोटिस करेगा तो क्वेश्चन नंबर टू में तो हम लोग ये सब सॉल्व करते आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर थ्री में खाली ये इस पे ही डिसाइड करके हमें वैल्यू बताने हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो जैसा कि अगर आप लोग देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन भी एज यूजुअली सेम रहेगा, कुछ ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं कि कुछ अलग वैल्यूज दे रखा है। तो एज यूजुअल मैं कंपेयर करूँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग विथ, है ना, कंपेयरिंग विथ क्या हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। देन राइट दिस वैल्यू बाय कंपेयरिंग, वाई स्क्वायर के बाजू में, वाई स्क्वायर के बाजू में टू, वाई के बाजू में बी, इधर वाई के बाजू में सेवन, बट नॉट माइनस सेवन, है ना, नेगेटिव साइन है, सी का वैल्यू टू। देन फाइंड डेल्टा, डेल्टा विल बी वॉट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, देन पुट दिस वैल्यू, माइनस सेवन द होल स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए टू इंटू सी टू, तो माइनस सेवन का स्क्वायर विल बी 49, माइनस फोर टू ज़ा एट, है ना, एंड देन एट टू ज़ा 16, देन सब्ट्रैक्ट दिस, नाइन माइनस सिक्स थ्री विल, नाइन माइनस सिक्स विल बी थ्री, फोर माइनस वन विल बी 33, तो डेल्टा विल बी वॉट, 33, वॉट 33। अब फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। तो काय इकडे पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव म्हणजे काय, रियल आहे, है ना, आणि इकडे झिरो आहे का, नाही ना, रियल अँड अनइक्वल। ठीक आहे, तर द नेचर ऑफ द रूट विल बी, द नेचर ऑफ रूट इज रियल अँड, रियल अँड इक्वल। क्लियर आहे, चलिए। तो एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, एज यूजल कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो बस कंपेयरिंग विथ, है ना, कंपेयरिंग विथ क्या हो जाएगा,
ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एम क्यों लिखा है भाई साहब, ध्यान दे रहे हो कि नहीं? एम क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही एम है ना, तो ध्यान दीजिएगा वरना ना मार्क्स कटेगा। यहाँ पे गलती से एक्स लिख दिया है तो एक्स तो है ही नहीं ना क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा ठीक है। तो यहाँ पे एम के बाजू में, एम स्क्वायर के बाजू में क्या दे रखा है, ए का वैल्यू का है वन है ना, सबका मालिका होता है वन, वैसे बी का वैल्यू का होगा, एम के बाजू में देखिए टू है तो टू लिख देंगे, सी का वैल्यू का हो जाएगा नाइन ठीक है। चलिए अब हमें डेल्टा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी का वैल्यू क्या दे रखा है टू, टू का वैल्यू टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए वन सी नाइन दे रखा है, तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा चलिए देख लेते हैं। यानी टू का स्क्वायर का स्नर है, टू का स्क्वायर क्या होगा फोर, यानी फोर नाइन जा थर्टी सिक्स, क्या होगा फोर नाइन जा थर्टी सिक्स। एंड यू नो वेरी वेल क्या फोर में से 36 माइनस कर रहे हैं ना हम लोग, तो चार में से 36 माइनस करना मतलब छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हो तो नेगेटिव साइन आएगा। अब 36 में से 4 जाएगा तो विल बी 32 ना, तो डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा माइनस 32 है ना। तो सबसे पहले भैया जी क्या देखना है, यहाँ पे साइन क्या है नेगेटिव है मतलब रियल नहीं है वो, तो रूट ऑफ द नेचर ऑफ द रूट का लिखोगे, अंग्रेजी में लिखना है द नेचर ऑफ द रूट, द नेचर ऑफ रूट इज नॉट रियल, नॉट रियल हाँ, रीजन क्या है रियल सा ना है हाँ, इकड़े नेगेटिव मध्ये है, क्या है नेगेटिव मध्ये है ना, कळलं? आणि त्याच्यानंतर काय सर क्वेश्चन नंबर फोर है ना, आणि क्वेश्चन नंबर फोर काय दिलेला आहे, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स ऑफ गिवन बिलो है ना। जैसा कि आप लोग नोटिस करेंगे कि जिस वे में मैंने ना आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है उसी वे में हमें क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक है। तो देखिए हमें अभी नेचर ऑफ द रूट हो गया, टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव गिवन टू रूट्स है ना, एंड यू हैव टू यूज व्हाट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, याद कीजिए मेरे साथ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो ठीक है। एक ट्यून बनाइए फटाक से लर्न कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। चलिए आई होप लर्न हो गया रहेगा, तो लर्न होना ही चाहिए ना, नहीं लर्न होगा तो कैसे काम चलेगा, आप दसवीं में आ गए लर्न नहीं करोगे तो क्या करोगे ठीक है। चलिए दो रूट दे रखा है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करने से पहले आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा कि दोनों को एक बार प्लस करो, दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करना है तब ना पुट करेंगे, कैसे डायरेक्ट नहीं ना पुट करना है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा दैट मीन जीरो प्लस फोर क्या होगा फोर होगा ना, फिर अल्फा इंटू बीटा जीरो इंटू फोर क्या होगा जीरो, से कोई भी भिड़ेगा मल्टीप्लाई में वो जीरो ही बन जाएगा ठीक है, मिल गया वैल्यू। देयरफोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स है ना प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म जो है फॉर्मूला लिखा, बस वैल्यू पुट करो आपके हाथ में आंसर आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का है ऊपर ही देखना है फोर है फोर एक्स, अल्फा इंटू बीटा का है जीरो तो जीरो इक्वल टू जीरो। इसके आगे सॉल्व मत कीजिएगा, क्यों नहीं सॉल्व करना है हमें, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोला ना, इक्वेशन हो गया क्योंकि स्क्वायर है वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहाँ स्क्वायर है वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए अगला प्रश्न का दे रखा है थ्री और माइनस दस दे रखा है, तो चलिए तो अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले निकालना है। कभी भी आपको ये देखिए क्वेश्चन पूछता है एक या दो एक मार्क्स के लिए, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दोनों को एक बार प्लस दोनों को एक बार मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर रहे सोचना बाद में पहले कर देना ठीक है। चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये देखिए अल्फा थ्री है बीटा में प्लस है तो लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो थ्री माइनस टेन आप लोगों को पता है छोटे में से बड़ा है तो माइनस टेन माइनस थ्री है तो सेवन, फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होगा थ्री इंटू माइनस टेन, तो थ्री टी जा क्या होता है थर्टी होता है ना, थ्री टेन जा थर्टी हो जाएगा ठीक है। ये दो वैल्यू मिल गया, अब उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होगा, एक्स स्क्वायर वही होगा है ना जो पहले था वही होगा ना, और क्या होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का दे रखा है, ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा दे रखा है माइनस सेवन, तो ये माइनस माइनस क्या करेगा प्लस सेवन हो जाएगा एक्स, अल्फा इंटू बीटा देखिए क्या दे रखा है ये माइनस दे रखा है ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए आप लोग को एक ही ऑब्जर्वेशन करना है, चाहे वो अलजेब्रा हो चाहे ज्योमेट्री हो कोई भी स्टैंडर्ड का मैथ्स हो, आप लोग को जो है ना थोड़ा सा मार्क्स थोड़ा सा बेसिक में डाउट होता है तो खाली माइनस ही करता है, गलती से उल्टा पुल्टा लिख दिया तो हो गया गड़बड़ ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है, आप लेना वन बाय टू यानी माइनस वन बाय टू, क्या करायचं इकड़े अल्फा प्लस बीटा
अल्फा काय आहे 1/2, बीटा काय आहे -1/2, आणि मायनस प्लस काय असणार आहे -1/2. 1/2 -1/2 काय असणार आहे 0, आणि त्याच्यानंतर अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू इकडे बी बीटा निगेटिवमध्ये आहे, ब्रेकेट लावायचं आणि 1/2 आणि 1 1 जा 1, -1, 2 2 जा 4, दॅट मीन्स अल्फा इंटू बीटा विल बी वॉट -1/4. नाव क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज काय असणार आहे, ॲज युजल सेमच, x² - α + β, x + α × β इज इक्वल टू 0. आणि काय होणार आहे, x² α + β विल बी वॉट 0 ना, 0x 0 आहे लिहायचं इकडे, है ना. आणि त्याच्यानंतर अल्फा इंटू बीटा काय आहे, -1/4, मायनस प्लस काय असणार आहे, -1/4. दिस इज अवर फायनल इक्वेशन इक्वल टू 0. आणि ह्याचा डब्बामध्ये करायचं आहे काय. आणि थर्ड क्वेश्चन झालेला आहे आपला. फोर्थ क्वेश्चन काय दिलेला आहे, फोर्थ क्वेश्चन बघा, 2 - √5 2 + √5. तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 2 - √5 2 + √5, तो अल्फा प्लस बीटा बिना सोचे समझे हमें पहले दोनों का प्लस, तो 2 - √5 है ना +2 + √5. -√5 + √5 विल बी गेट कैंसल, 2 + 2 विल बी 4. नाउ अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा इकड़े एक फॉर्मूला यूज होना है फॉर अल्फा इंटू बीटा, यू नो वेरी वेल, बेसिक में दिया है मैंने वो अल्फा इंटू बीटा. तो ए माइनस बी ए प्लस बी, चलिए मैं ऊपर आप लोग के लिए लिख दे रहा हूँ. वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यूज दिस फॉर्मूला, वॉट इज द वैल्यू ऑफ ए 2 एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ बी √5. तो दैट मीन्स ए स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर काय होणार आहे 4, एंड √5 स्क्वायर काय असणार आहे, रूट आणि स्क्वायर कॅन्सल इच अदर एंड वैल्यू ऑफ स्क्वायर विल बी 5, आणि 4 - 5 विल बी वॉट -1, है ना, ये ध्यान रखना है. 2 का मैंने स्क्वायर किया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 एंड √5 का स्क्वायर सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल कर देगा, ठीक है. चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वॉट, x² - α + β, x + α × β इज इक्वल टू 0, है ना. एंड देन x² α + β का है इकड़े 4 है, फक्त 4 लिहायचं, आणि अल्फा इंटू बीटा माइनस, तो माइनस प्लस विल बी माइनस. अब यहाँ से प्रोफेसर से एक सवाल आ रहा है, प्रोफेसर यहाँ पे माइनस था तो प्लस क्यों नहीं हुआ बच्चा, क्यों होगा क्यों, क्योंकि अगर 4 अगर नेगेटिव में रहता दैट्स अ नेगेटिव प्लस हो जाता ना, क्योंकि ये तो प्लस में, तो एज यूजुअल लिखूंगा ना मैं, तो ध्यान रखिएगा. चलिए तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4th उन्होंने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है ना, अब इसके आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो फिर लेंदी होता जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ज़्यादा है और सब क्वेश्चन भी थे, तो इसमें ध्यान रखना है ना. आप लोग क्वेश्चन से देख के डरना नहीं. अब जैसे ये क्वेश्चन देखेगा तो बोलोगे अरे रूट है सर, मुझे करना नहीं है प्रोफेसर, नहीं जम रहा है मुझे, नहीं करना है. अरे भाई नहीं जम रहा है मतलब क्या यार, देखो तो सही है क्या, कुछ नहीं है, रूट तो पहले ही कैंसिल हो जा रहा है, देख रहे कि नहीं, √5 √5 तो ऐसे चले जा रहे हैं, यूं मुझे दिखाए और यूं चले आए, है ना. तो यही चीज है, आप लोगों को देख के सम डर लगता है, बट वो एज यूजुअल क्या रहता है हमारा, सेम प्रोसीजर करो उसमें और इजी होता है, बाकी सब सम से और इजी होता है, रूट रूट तो कैंसिल हो गया, और ये तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है आप लोगों को, अगर फॉर्मूला लर्न रहेगा तो, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, यूज किया, वैल्यू मिला, पुट किया, आपके साथ में आंसर है. तो आप लोग को ये चीज ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन देख के हमें नहीं डिसाइड करना है कि क्वेश्चन कैसा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं. आप लोग पहले सॉल्व कीजिए, देन उसके बाद से देखिए आप लोग को आसानी से आएगा, ठीक है. तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5th से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे उसको 2 पॉइंट जो आपका 5 है वो हम लोग ख़त्म करेंगे, है ना. तो जैसा कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, मज़ा आया कि नहीं आप लोगों को. तो जितना हो सके आपके फ्रेंड्स को बताइए एंड देन और शेयर कीजिए, उनका भी हेल्प होगा ये टाइम पे. थैंक यू.